देसी मेरे बोल छोड़ी, देसी मेरी बात छोड़ी, देसी है कलम और देसी मेरा गाना। नमस्कार गाइस, आज मैं एक मॉर्निंग में एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ रहा था जिसके अंदर डॉक्टर नरेश तहरान कुछ है ना शॉकिंग बता रहे हैं अबाउट हार्ट डिजीज जो कोरोना वायरस की वजह से हो रही है, जो इम्पैक्ट कोरोना हमारे हार्ट पे डाल रहा है एंड 20-30% लोग उससे इफेक्ट हो रहे हैं एंड अपनी लाइफ गंवा रहे हैं। एंड इसके रेमेडीज की बात करें, हम इलाज की बात करें तो हमें डी स्ट्रेस होना पड़ेगा, हमें ऐसी एक्सरसाइजेज करनी पड़ेंगी जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल चला जाए, हम ऐसा कुछ करें जिससे स्ट्रेस ना हो, क्योंकि उस स्ट्रेस की वजह से हार्ट बहुत कमज़ोर होता जा रहा है लोगों का इस स्टेज में। तो इसमें आप सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं स्ट्रेस से दूर होने के लिए, वो है अनप्लग। आप तार उखाड़ कर फेंक दो, तार उखाड़ने न्यूज से सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई आपको ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर कर रहा है कैसे काम कर रहा है ये समझिए। इसमें है ना साइकोलॉजी बहुत बड़ा है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। आप एक प्रोडक्ट को याद करते हैं, क्यों याद कर पाते हैं, क्योंकि एडवर्टीजमेंट उसकी इस टाइप से होती है कि वो बार 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 आपको सुनाई जाती है कि आप ये लें और आप बेटर हो जाएंगे। करेक्ट, आप इसी टाइप से अगर आप एक ही टाइप की न्यूज़ बार 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 सुन रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि आपके दिमाग में वही याद रहेगा बार बार। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप वो न्यूज़ देखना बंद कर दें। मैंने 20 दिन से कोई न्यूज़ कोई किसी न्यूज़ चैनल पर नहीं देखी है। हाँ, मैं एक दो आर्टिकल ज़रूर पढ़ लेता हूँ, दैट्स इट। हमें न्यूज़ चाहिए क्यों होती है, ताकि हमें पता चल जाए एक बार यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन हमें पता है ये क्या हो रहा है, अब हमें पता है कि भाई 17 मई तक ये लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है, बस इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए हमें और वो कोई काम की भी नहीं है। तो समझिए इसे एंड इसे इम्प्लीमेंट कीजिए, इससे आपका आधा स्ट्रेस तो इसी से दूर हो जाएगा, सबसे ज़रूरी चीज़ है। सेकेंडली, अनप्लग कीजिए आप सोशल मीडिया ऐसे ग्रुप से जहाँ पर हमेशा इसी टाइप की बात की जा रही है या इस टाइप के मैसेजेस शेयर करना है। एंड खासकर मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप ऐसे वीडियोस जहाँ पर डेथ्स दिखाई गई हैं या फिर शमशान घाट की जो स्पेशली जो वीडियोस डाल रहे हैं लोग, आप ये डालना बंद कर दीजिए लोगों के व्हाट्सएप पर, क्योंकि इससे उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, कम नहीं होगा। आप एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मान रहे हैं हम, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन किसी की जान भी ले सकती है, वो उसकी हेल्थ जो हार्ट की हेल्थ है उसको डिक्रीज कर सकती है। तो ये वीडियोस उनके पास ना भेजें जो कोरोना पॉजिटिव है स्पेशली। पर क्योंकि जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड वो है न्यूट्रिशन। ईट वेल। ईट वेल कैसे होगा, ईट वेल में होना क्या चाहिए उसके बारे में जानते हैं। प्रोटीन सबसे पहले आता है, प्रोटीन। डॉक्टर नरेश तहलान ने जिन्होंने ये हार्ट के बारे में डिजीज़ का बताया हमें कि कोरोना से ही हो रहा है, उनके अकॉर्डिंग हमें 40 ग्राम प्रोटीन डेली कंज्यूम करना है। हम अच्छा खा रहे हैं, नॉर्मल हल्का खाते हैं, मोस्टली हम प्रिफर करते हैं जब हम बीमार हो तब हल्का खाएं, करेक्ट है, नो डाउट, लेकिन कोशिश करें उसमें प्रोटीन आप बढ़ाएं, प्रोटीन बढ़ाएं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। थर्ड एक्सरसाइज है विजुअलाइज करना है हमें, इमेजिन करना है, सोचना है उन बेस्ट मोमेंट्स के बारे में जो अच्छा आप कैसे कर सकते हैं, आप कोई भी दो इवेंट चूज करें जो आपकी लाइफ में बहुत बेहतर हुए हैं, आंख बंद करें एंड उसके बारे में सोचें हर सांस के साथ उसी मोमेंट को सोचें बार बार, ये आपको एक पॉजिटिव फीलिंग प्रोवाइड करेगा। एंड ये ज़्यादा देर नहीं करना है, सिर्फ 5-10 मिनट पीछे कभी भी आप ये काम कर सकते हैं, आफ्टर ब्रेकफास्ट, लंच, रात में, सबसे ज़रूरी चीज़ है। जो चौथी एक्सरसाइज है वो तीसरे से ही मिलती जुलती है, मेडिटेट। मेडिटेट के टाइम पर हम क्या करते हैं, वही सांस बाहर छोड़ते हैं और अंदर लेते हैं, बस
लेकिन इसके साथ साथ आप विजुलाइजेशन को जोड़ लें। जितनी देर आप मेडिटेट कर रहे हैं ना, आप मन में सिर्फ आँख बंद करके उन दो बेस्ट पलों के बारे में सोचें जो आपने अचीव किए थे उस टाइम पर या वो आए थे, एंड सोचें उस टाइम की वो फीलिंग के बारे में, उस फीलिंग को महसूस करें फिर से। जब आप उस फीलिंग को दोबारा महसूस करेंगे ना, तो आपका सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाएगा, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है। जो डी स्ट्रेस एक्सरसाइज है वो है लाफ, स्माइल, हंसें, खुश रहें। वो कैसे होगा? क्योंकि लाफिंग जो थेरेपी है वो अभी से नहीं, वो बहुत पहले से कारीगर है। जो लाफिंग थेरेपी है, लाफिंग से होता क्या है, वो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को डिक्रीज कर देता है, रिड्यूस कर देता है चांसेस के कि आर्टरी इन्फ्लेमेशन हो, एंड सबसे इम्पोर्टेंट, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल को रिप्लेस करता है एंड उसे भगा देता है। उसकी वजह से हमारे हार्ट को रिस्क फ्री कर देता है, एंड ये सबसे बेस्ट चीज़ बनी गई है। एंड लाफिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने इंडिया में तो सबसे फेमस एक ही है, द कपिल शर्मा शो, आप उसे देखें, या फिर आप कोई भी ऐसी मूवीज़ देखें मोस्टली जिसमें लाफिंग थेरेपी, जैसे चुप चुप के हो गई, या फिर कुछ इस टाइप की मूवीज़ फोकस करें जो सिर्फ आपको हंसाएं, बहुत सारा हंसाएं दिन भर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं नंबर, एक्सरसाइज एक और ऑप्शन है। एक्सरसाइज करने से हम एक्टिव ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो कोरोना वायरस है वो एक्सरसाइजिंग पर ही इफेक्ट डालता है, क्योंकि थकान में खुद 20 दिनों से पॉजिटिव हूँ एंड मैं नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी आप 10-10 मिनट की वॉक कर सकते हैं बीच में, जो आपको एक्टिव होने में, दोबारा इम्यून सिस्टम बेटर करने में हेल्प करती है। अब बात करते हैं लास्ट चीज़ की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एंड इस चीज़ को मैं लास्ट में काउंट कर रहा हूँ, कि आप उन मेमोरीज को याद कीजिए, आप उन मोमेंट्स को याद कीजिए जो स्पेशल थे आपकी लाइफ में। तो ऐसे दोस्त के पास फ़ोन कीजिए जो उन मोमेंट्स में आपके साथ था, जो जिसके पास टाइम भी हो उस चीज़ को डिस्कस करने का, एंड मेरा यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। अगर आप गाइस कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नीचे नंबर है, आप लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें कि आप इनमें से कौन सी एक्सरसाइज पहले से जानते थे, आप कमेंट करें कि आपके साथ कैसा हो रहा है। अगर आप इस इन्फॉर्मेशन से सहमत हैं जो मैंने प्रोवाइड की गई है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों को जिससे ये हेल्प ले पाए। नमस्कार।